हेलो नॉमन क्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, या फिर आप कर लो एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नॉमेनक्लेचर डालूंगा मतलब पीरियडिक प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं रहेंगे, नॉमेनक्लेचर से ही स्टार्ट होगा मतलब, लेकिन उसमें कॉमन नेम भी रहेगा ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल रहेगा। एक बार ही बता दिया तो वो साल भर आता रहेगा, वो कभी भी कुछ भी ऐड करता रहूँ तो उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। हाइड्रोजन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, हाइड्रोजन एंड नॉमन क्लेचर के दोनों टॉपिक हैं। सो नॉमन क्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब देखो, अभी तक जो हम लोगों ने नेमिंग पढ़ा है ना, उसका पैटर्न और एरोमेटिक में बिल्कुल अलग हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मेरा ऐसा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या रखेंगे, अगर मैंने ऐसा मॉलिक्यूल रख दिया तो इसका नाम क्या रखेंगे। तो बताओ इसका नाम क्या रखना चाहिए हमें। तो भाई 1 2 3 4, हाँ जी बिल्कुल, हेक्सा। उससे पहले क्या लगेगा, साइक्लो, और हेक्सा में स्मॉल रहेगा वो, यही ना। 1.3 डाई। भाई उसी तरीके से इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए भाई, ये भी हो जाना चाहिए साइक्लो हेक्सा 1.3.5 ट्राईइन, होना चाहिए। बट ये नाम गलत लिया है सर, क्या रीजन है भाई। बिल्कुल, ये पाई बॉन्ड इस जगह पे स्टेगनेंट नहीं है, रुका नहीं हुआ है। जब रुका नहीं हुआ है तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ना तो ये है और ना ही ये दूसरा है, बल्कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। करेक्ट स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी नहीं है। करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ये हम डॉट 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 करके दिखाते हैं उसको, हम मैंने सर्कल बना लिया ना, ये है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब कैसे मालूम कि ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इन दोनों को देखोगे तो एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन के दो अलग अलग लेंथ दिख रहे हैं, जबकि इसमें सभी कार्बन के लेंथ इक्वल दिख रहे हैं। और रियलिटी में ऐसा ही होता है, जब हम बॉन्ड लेंथ निकालते हैं एक्सरे भेज करके तो पता चलता है कि सारे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल हैं, जो कि ना तो ये स्ट्रक्चर डिपिक्ट करता है ना तो ये, इसलिए ये करेक्ट स्ट्रक्चर। और जैसे ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया तो भाई अब ये साइक्लो हेक्सा 1.3.5 ट्राइन थोड़ी ना रहा, तो इसका नाम फिर ये ना करके इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, बेंजीन। बेंजीन इज द पेरेंट नेम फॉर दिस, ठीक है, ये बात नोट करके लिखो। इनको क्या बोलते बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बट दे आर नॉट रियल। रियल स्ट्रक्चर इज दिस, ठीक है, नोट कर लिया। एंड दिस इज नॉट नेम्ड एज साइक्लोहेक्सा 1.3.5 ट्राइन, द नेम ऑफ दिस इज बेंजीन। डन, अच्छा। अब देखो, अब इनके नॉमनक्लेचर में ना कई सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली गई, जैसे
आप ये याद करो, इसको हम क्या बोलते थे, कॉमन नेम, यहां अगर सी एच थ्री है क्या बोलते थे कॉमन नेम? चलो इससे पहले ये बताओ, अगर मेरे को इसका नाम लिखना है, फिर मेरे को इसका नाम लिखना है ना, अब देखो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, आप बात समझना, ठीक है? एक ही बात है, हालांकि बात एक नहीं है, गलत बात है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बट प्रैक्टिस में आने की वजह से ऐसे ही लिख देते हैं लोग। तो NO2 और यहां Cl में डाल दे रहा, ठीक है? अब आप इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे, वही सेम चीज। इसका पेरेंट नेम क्या हो गया है, बेंजीन। अब हमारा पेरेंट ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो आप क्या लिखोगे, वन नाइट्रो बेंजीन, बोलो भाई, ये लिखोगे ना? तो वन नाइट्रो का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जहां पे भी लगा हो उसको वन ही बोलेंगे, तो इसको हटा ही दो, इसको हटा दो, तो क्या आ जाएगा आंसर, नाइट्रो। अब इसमें नाइट्रो एंड क्लोरो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम बताओ क्या हो, बोलो नाम लिखो ना, अपने से लिखो 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 जैसे लिखते हो। बस चेंजेस क्या हुए हैं, जो हम लोग पूरा कहानी लिखते थे ना, भाई साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन, यहां पे भी वही है, प्लस रूट वर्ड जो लिखते थे इन सब चीजों के जगह पे गायब होकर के इसी जगह पे क्या आ गया, बेंजीन। रूट वर्ड प्लस N9 की जगह पे क्या आ गया, बेंजीन। रूट वर्ड प्लस N9, वो सब रिप्लेस करके क्या आ गया, बेंजीन। अगर आप इनके नेमिंग पैटर्न को देखो, तो साइड चेन, हाउ डू वी नेम देम, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजिशन, इसके साथ यहां पे हमारा रूट वर्ड इन सब की जगह पे बेंजीन प्लस फंक्शनल ग्रुप विथ पोजिशन दिखाओ, या बाय डिफॉल्ट वहां पे मतलब ऐसा कुछ करके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, तो नंबरिंग किधर करेंगे हम, वन नीचे या ऊपर, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये एन से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट होता है, तो मैं वन टू थ्री, क्या आ जाएगा, ये वन क्लोरो थ्री नाइट्रो बेंजीन, समझ में है ना? तो ऐसे ही इसका नाम क्या होना चाहिए भाई, हाँ जी, वन मिथाइल या सिंपली मिथाइल, बोलो भाई, क्योंकि ये साइड चेन है। लेकिन IUPAC ने इसका दूसरा नाम भी एक्सेप्ट कर लिया, कौन सा नाम, इसका कॉमन नेम को भी एक्सेप्ट कर लिया IUPAC ने, TOLUN। TOLUE नहीं होता ना, हाँ, टॉलवीन। टॉलवीन इज ऑल्सो टेकन, लिख लो ये बात नोट करके, टॉलवीन इज ऑल्सो टेकन एज IUPAC नेम फॉर मिथाइल बेंजीन। दोनों ही एब्सोल्यूटली करेक्ट है, दोनों में कुछ भी गलती नहीं, यहां बेटर और उसकी बात ही नहीं, ठीक है, क्लियर ना? अब चलो इस पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सर फिर अगर मान लो ऐसा आ गया कि एक CH3 और एक क्या आ गया बेटा, Cl आ गया, अब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे? तो नेचुरली इस फॉर्मेट से जाएंगे तो दूसरा नाम आएगा, इससे जाएंगे तो दूसरा नाम आएगा। चलो इस फॉर्मेट से नेमिंग करते हैं पहले, तो ये बेंजीन है, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, तो नंबर वन इसको मिलेगा, टू इसको मिलेगा, तो क्या आएगा, वन टू बेंजीन, वन क्लोरो टू मिथाइल। लेकिन अगर मैं दूसरा फॉर्मेट अपना लूं इस चीज का, दूसरा फॉर्मेट का मतलब इस पूरे ग्रुप को मैं क्या बोल दूं, टॉलवीन अगर मैं बोल दूं, तो क्या आ जाएगा, टू क्लोरो टॉलवीन, और ये दोनों ही नाम
बिल्कुल करेक्ट है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि इस पूरे को अगर मैं टॉलवीन बोलूं तो ये इसके पोजीशन के हिसाब से टू पे क्लोरो है, तो टू क्लोरो टॉलवीन। सो बच्चों एक चीज और ध्यान देना, कभी भी कोई ग्रुप लगा हो बेंजीन पे, कोई ग्रुप लगा हो, वो चाहे CH3 हो, NO2 हो, कुछ भी, ये पोजीशन को बोलते हैं इप्सो, IPSO, इप्सो। ये पोजीशन होता है, ये पोजीशन होता है ऑर्थो, ऑर्थो इधर भी है, ऑर्थो इधर भी। ये पोजीशन क्या है? मेटा। और ये पोजीशन क्या है? ये मेटा है, ये ऑर्थो है, ये इप्सो। ठीक है, ऑर्थो को कैसे लिखते हैं हम? ओ से डिनोट करते हैं, मेटा को एम से, और पैरा को पी से डिनोट करते हैं। तो क्या मैं इसको ऑर्थो क्लोरो टॉलवीन बोल सकता हूं? बिल्कुल, टॉलवीन के रिस्पेक्ट में ही ऑर्थो पे, तो ऑर्थो क्लोरो टॉलवीन। यहां तक क्लियर हो गया सबको कैसे हम यहां पे नेमिंग करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एक्सटेंड करते हैं आइडिया को, और हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं एक साथ में। तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने OH ले लिया। अब देखो इसका कायदे से नाम क्या होना चाहिए? बेंजीन ऑल, बेंजीन ऑल, प्रॉब्लम उसमें कुछ भी नहीं है। बट इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है, शायद बेंजीन ऑल तो बड़ा रेयरली आपको कहीं देखने को मिले, इसका सबसे पॉपुलर नाम, इसका कॉमन नेम ही है, क्या है? फिनॉल। सो फिनॉल इज इट्स IUPAC नेम। फिनॉल इज इट्स IUPAC नेम। अब मैं एक चेंज करता हूं, आप देखो इसके अंदर, कि मैंने OH ले लिया और साथ में मैं बेटा मैंने ले लिया CH3, क्या नाम लिखूं इसका? तो बोलते हैं कि इसको आप इसी को पेरेंट समझो, फिनॉल, और ये कौन से पोजीशन पे है? 1, 2 एंड 3 पे। तो आप क्या लिखो इसको? 3-methyl-phenol। अच्छा, जैसे ये लिखा मैंने, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर आपने इसको पेरेंट की तरह से ट्रीट किया तो ये क्या हो गया? मिथाइल एंड फिनॉल। आप अगर इसको पेरेंट की तरह ट्रीट कर लो तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो मतलब आप ये कहना चाहोगे कि सर 3-हाइड्रोक्सी भी तो लिख सकते हैं एंड टॉलवीन, बोलो। और ये तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि CH3 के सामने OH का स्टेटस बहुत बड़ा है, आप उसको साइड चेन नहीं बना सकते, इसलिए इसमें टॉलवीन इज नॉट एक्सेप्टेड। टॉलवीन नेम विल बी एक्सेप्टेड जब उससे इंफीरियर या उसके आसपास वाले ग्रुप आए। तो बहुत सुपीरियर है, फंक्शनल ग्रुप का स्टेटस तो बड़ा होता है ना, स्टेटस तो फंक्शनल ग्रुप का बड़ा होता है, इसलिए हम ये नाम नहीं डाल सकते। इसका नाम क्या होगा? 3-methyl-phenol। तो ऐसे ही आपके सामने नाइट्रोफिनॉल आ सकता है, ऑर्थोमेटा पैरा, जो कॉमन नेम में हम ऑर्थोमेटा पैरा बोलते हैं, IUPAC में हम इसको 2-नाइट्रो-फिनॉल। क्लियर हुआ? हाँ, तो ठीक जैसे फिनॉल का मैंने किया, वैसे ही मैं दूसरे का करता हूं, सब एक एक करके करते चलना। कॉमन नेम ऑर्थोमेटा पैरा इज अ कॉमन नेम, कायदे से लिखना ऐसे ही चाहिए। लेकिन मान लो अगर ये दिया ना हो चारों ऑप्शन में कहीं भी, तो समझ लो एग्जामिनर बस उसी के बारे में पूछ रहा है। ओके सुंदरा, गुड, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अब देखो एल्कोहल के बाद अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता है हमारे पास? तो एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो बेटा जब ये एल्डिहाइडिक होता है तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ? तो क्या बोलते हैं हम? हाँ जी, बेंजल, बेंजल डिहाइड, इजंट इट? बेंजल डिहाइड याद है इसका कॉमन नेम, यही इसका IUPAC नेम, बेंजल डिहाइड।
ना, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम बेंजीन कार्बलडिहाइड भी लिख सकते हैं, बट ये इतना फेमस है कि यही नाम को एक्सेप्ट कर दिया गया, बेंजल डिहाइड। अब भाई अब इसी के सामने मैं अगर ये ला दूं एल्कोहल ग्रुप, तो आई होप आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां OH ला दूं तो 3-हाइड्रोक्सी, हाँ जी बिल्कुल बेंजल डिहाइड। तो यहां पे भाई ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया और ये साइड चेन, और प्रिंसिपल को लेते हुए जो पेरेंट बनती है वो क्या है, बेंजल डिहाइड, तो इसलिए हम इसको 3-हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बोल रहे। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये क्या हो गया सर, इसको क्या बोलेंगे, तो याद है इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड। इसके सामने हमारा एल्डिहाइड भी फीका पड़ जाएगा क्योंकि ये तो उससे भी ज्यादा सुपीरियर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रेस में सबसे ऊपर, तो CHO OH कुछ भी डाल दो इसमें, यही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम लिखो, मैं देखता हूँ क्या लिखते हो तुम, राइट द नेम ऑफ दिस, ये OH है, ये H है। चले बेटा, क्या नाम लिखा आपने, ये F है और ये H है, कौन ABCD में पहले आता है, तो इसलिए इधर की तरफ से हम लोग देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि नंबरिंग तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे ना, इसमें कहाँ प्रायोरिटी रह गया, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, उनको स्टेटस ही नहीं है फंक्शनल ग्रुप का, पूरा उनका जो रैंक दिया था सब वापस ले लिया गया, नाउ दे बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में सिर्फ अल्फाबेट ही होता है। हाँ तो चलो वो तो गलती से भी आ सकता है, मान लो मैं नंबरिंग इधर उधर कर देता तो मजा आ जाता, फिर ये OH को इधर कर देता है ना, तो 1 2 क्या आएगा बेटा, नाम क्या आएगा, थ्री फॉर्माइल, फाइव, थ्री फॉर्माइल, फाइव हाइड्रोक्सी, बिल्कुल। बेंजोइक एसिड, गॉट इट, सो आई होप कि अब आपको थोड़ा चमक रहा है कैसे करना है, तो अब आप कर ही लोगे मेरे ख्याल से, थोड़े और एग्जाम्पल कराते हैं। चलो इसको करते हैं बेटा, देखते हैं आप क्या नाम लिखते हैं इसका,
बोलिए। क्या होगा नाम इसका? तो देखो, एक तो नाम ये है कि भाई बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बट इसका एक्सेप्टेड नेम कौन सा है? बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल। हाँ जी, बेंजोइल क्लोराइड इज एक्सेप्टेड आईयूपीएसी ने। नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वो ऑप्शन में देगा ही नहीं, समझ गया ना? ये इतना ज्यादा ओवर पावर्ड कर गया है कि इसी को रखने वाला। ओके, नेक्स्ट। ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड, और कौन सा बचा है भाई फंक्शनल ग्रुप में? लगभग सारे हो ही गए। हाँ, एक काम करो, इसका नाम लिखो। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, क्या हो जाएगा ये? 3-साइनो-4-हाइड्रोक्सी, हाँ जी बिल्कुल, बेंजोइक एसिड ना, क्लियर है ना? ये तो 3-4, ये हमारा बेंजोइक एसिड का ग्रुप हो गया, क्लियर। अब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप आता है सिर्फ CN को अगर ले लेते हैं, चलो देखते हैं क्या लिखते हो तुम। राइट द नेम ऑफ दिस, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बेटा कि इसका ये एक्सेप्टेड नेम है बेंजोइल ना, लेकिन इसको हम बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये CO Cl बाहर होता है तो उसको क्या नाम लिखते हैं? तो वो उसमें कोई गलती नहीं है, बट वो ऑप्शन में देगा ही नहीं, अगर दे दिया तो आप उसको टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल सही, इसका नाम क्या लिखोगे आप? बिल्कुल, बेंजोनाइट्राइड, ये इसका एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम है, और आपको ध्यान हो यही इसका कॉमन नेम भी है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं बिल्कुल मैं सिस्टमैटिक आईयूपीएसी नेम के हिसाब से लिखूं, तो क्या होगा ये? बेंजीन, बोलिए, कार्बोनाइट्राइड, हाँ बिल्कुल कार्बोनाइट्राइड। दिस इज कॉमन नेम एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी, एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी, एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी, एंड दिस वन सिस्टमैटिक आईयूपीएसी नेम। इतना फर्क है दोनों, सिस्टमैटिक आईयूपीएसी नेम है बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। चलो अगला देता हूं,
देखता हूँ क्या करते हो तुम। राइट द नेम ऑफ दिस। कौन गाइस? डू इट। चले बेटा कर लिया। कितना आसान है ये, क्या है, कितने लोग पहचान पाए? ये एनहाइड्राइड है, बिल्कुल। तो इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। इसका क्या था? इथेनोइक एसिड। तो याद नहीं है तुम लोग को, बेंजोइक इथेनोइक में पहले कौन आएगा? बेंजोइक। तो बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। कितना आसान है, डर जा रहे हो तुम लोग स्ट्रक्चर देख करके। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका सिर्फ बेंजोइक, क्योंकि जब सिस्टमेट मतलब दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो जाए तो एक ही बार लिख करके। ये क्या है? बेंजोइक एनहाइड्राइड। कर लिया? हाँ चलो, अब एस्टर्स का नाम लिखते हैं। अब देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। Write the name of these two. जितने भी पॉसिबल आपको IUPAC नेम दिखाई देंगे वो सब लिखने। हाँ ये अच्छा है। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट कर रहा हूँ।
क्या नाम लिखा आप लोगों ने? तो जैसे वो बेंजोइक एसिड कंसिडर करते हैं, वैसे इसका नाम क्या करेंगे? बेंजोएट, ऐसे समझ लो ना, नेगेटिव है तो बेंजोइक एसिड, तो बेंजोएट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबसे पहला नाम जो एक्सेप्ट किया गया वो कौन सा है? मिथाइल बेंजो बेंजोएट। ठीक, अगर आप सिस्टमैटिक आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से करो तो इसका नाम पड़ेगा मिथाइल, एंड वन का जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही है ना ग्रुप, तो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। जब पेरेंट चेन से बाहर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। तो दूसरा नाम क्या है इसका? मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ये लेकिन ये ज्यादा प्रिफर्ड है और ये आईयूपीएसी सिस्टमैटिक आईयूपीएसी नेम के हिसाब से ही, तो इसमें कोई गलती नहीं है जैसे हम समझने की कोशिश। ठीक है, तो जैसे आप इसका भी प्रिफर्ड ही लिखो सीधा, जो प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम कौन सा है? इथाइल बेंजोएट। हाँ, बेटर फर्स्ट, मतलब अब दोनों ही एक्सेप्टेड है। वो मैं क्या बेटर और इसकी बात करूं, दोनों ही एक्सेप्टेड है, बट यूज ज्यादा ये होता है मिथाइल बेंजोएट। ओके, ये बताओ। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग? तो चलो अच्छा, कोई बात नहीं, पहली बार है ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है कि जब अगर पेरेंट चेन से ये ग्रुप ऐसे नीचे लटका हुआ दिखाई दे, आई मीन सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको बेंजाइल नहीं बोलते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं। ये बड़ा वियर्ड सा है, लगता है बेंजीन के बगल में बेंजाइल डाल देना चाहिए, बट इसको बेंजाइल क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि याद करो, बेंजिल बेंजल बेंजो, ये यूज हो गया है हमारा आईयूपीएसी के अंदर, तो इस वजह से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसका फिनाइल नाम ही बदल दिया इसका, फिनाइल फिनाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल, बिल्कुल, बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट। गॉट इट? फिनाइल बेंजोएट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अभी तक मैं बिल्कुल ही सिंपल सिंपल आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दे रहा था एरोमेटिक के केस में, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आता हूं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। एरोमेटिक में अगर थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की है तो फिर एरोमेटिक वाले तरीके से नहीं नाम लिखते हैं, बल्कि सिंपल उसको चेन की तरह से नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है जहां पे बेंजीन है और मैंने ऊपर थोड़ा ज्यादा नाटक कर दिया, अब क्या करेंगे? बहुत आसान है ऐसे केस, चलो ट्राई करो एक बार, फिर मैं बात करूं। करो करो करो।
हाँ जी बच्चों, क्या किया आप लोगों ने? बिल्कुल, आप तब ऊपर जैसे ही ज्यादा नाटक दिखाई दे बेंजीन के चारों तरफ, तो चुपचाप ऊपर वाले को मेन चेन मान लो और इसको साइड चेन की तरह, इसका नाम क्या है? बेंजाइल नहीं, फिनाइल। कौन से पोजीशन पे है? थ्री। तो क्या नाम हो जाएगा? थ्री फिनाइल, बोलो। हाँ जी, ब्यूटेन वन ऑल, वन करना पड़ेगा ना, ठीक है? ओपन चेन में आ जाए तो नंबरिंग अंडरस्टूड नहीं होता है। वन ऑल। सो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है कि हम कैसे इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। कर लोगे? हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे ही? चलो, तो अब क्यूमीन किसे बोलते हैं बताओ? व्हाट इज क्यूमीन? कॉमन नेम में आपने पढ़ा था, कॉमन नेम में आपने पढ़ा होगा, क्यूमीन किसे बोलते हैं? बिल्कुल सही। उसका दूसरा नाम क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? कॉमन नेम को अच्छे से ध्यान दो। ये है CH3, ये है CH3, ये है, इसी का क्या नाम है? क्यूमीन। ये कॉमन नेम में मैंने आपको दिया हुआ है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये सब कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ, IUPAC नहीं है तो इसको अभी फिलहाल उसमें मत कंसिडर करो, राइट? हाँ, चलो। अब देखो भाई, हमने बेंजीन तक तो सीख लिया, बेंजीन कैसे कर रहे हैं। अब बेंजीन के आगे वाले कुछ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं ना, अदर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, और उनमें सब तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बड़ा काम का चीज आता है, जैसे ये आ गया। कोई बताएगा नाम इसका? क्या नाम बताया कोई? हाँ जी बिल्कुल, कॉमन नेम में आपको ये पढ़ना होगा। स्पेलिंग बताओ। NaPHTH नैप्थिलीन। है ना, ये आपका जैसे वो बेंजीन था वैसे ये नैप्थिलीन। ये क्या होगा बेटा? एंथ्रासीन। लिखते चलो। ये क्या है? फिनेंथ्री। बोलो। कर लिया सबका नेमिंग? कर लिया
अब देखो इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखाता हूं। इसमें अगर मान लो ऐसा कुछ कर दिया, पहले तो इनके नंबरिंग के बारे में समझाता हूं। एनी आइडिया अबाउट नंबरिंग कैसे करते? 1, 2, 3, 4। हम सोचते हैं इसको 5 मिलेगा, 5 मिलता ही नहीं है इसको। 5 यहां मिलता है, 6 यहां मिलता है, 7 यहां मिलता है, 8 यहां मिलता है। कोई गेस कर सकता है ऐसा क्यों है? इसको इतना लवर से ऐसा छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ ऐड ही नहीं हो सकता। कुछ ऐड हो पाएगा? इसको मैं थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ देखने की कोशिश करिए, काउंट करिए, 1, 2, 3 एंड 4। कुछ ऐड हो सकता है? कुछ नहीं ऐड हो सकता। इसको नंबर देके क्या करेंगे? यूजलेस फेलो, इसलिए इसको टच भी नहीं करता। और आपको इंटरेस्टिंग चीज, थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। उसके बाद इसको गैप करेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं। यहां क्या करते हैं? अब वापस आते समय बोलते, नहीं भाई चलो तेरे को भी नंबर दे देते हैं। कुछ बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही वियर्ड था। हाँ बिल्कुल एहसान, लिखो 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 इसको लिखो। हाँ ये बहुत ही, क्योंकि ये अगर आप नंबरिंग नहीं किए हो ना, आइडिया ही नहीं लगे। जैसे मान लो मैंने डाल दिया 9-methoxy-anthracene, तो भाई 9 तो जनरली लोग करेंगे, 1, 2, 3, 4 जो इमोशनल है वो यहाँ 5 कर देंगे, तो ऐसे करते हुए चले जाएंगे, तो उनको 9 कहीं और ही मिल जाएगा, तो इसलिए दिमाग लगा के रखो। नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है कि राइट से ही करें, लेफ्ट से राइट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पलट के देखो एक ही चीज है ना। मतलब आप यहां से भी कर सकते थे बेटा, 1, 2, 3, 4, बट 5, 6, 7, 8 एंड देन 9 एंड 10, ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत। आ रहे बात समझ? हाँ यहां देखो नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, ये तो ऐसे भी नहीं आने वाले, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कर लिया? तो देख लो इनकी नेमिंग पैटर्न, नंबरिंग पैटर्न, उसके हिसाब से हम इनका नेमिंग करते हैं। गॉट इट? सो मेरे ख्याल से एरोमेटिक में अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ हम लोग खत्म कर चुके हैं, एंड आई गेस और कुछ। हाँ चलो अब लास्ट का चीज है, टाइम अभी अपने पास सही, तो थोड़ा सा मैं बाईसाइक्लो आपको डिस्कस कर लेता हूँ। बाईसाइक्लो स्पाइरो हालांकि है नहीं, बट फिर भी कभी मान लो ऐसे स्ट्रक्चर्स आ गए जिनमें आपको उसको डिक्टेट करना पड़ा, तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक एक नॉलेज तो हो। चलो आप पूरा आईयूपीएसी नहीं लिख पाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। नॉट इन नीट लिख देना सिलेबस में, ठीक है? नॉट इन नीट सिलेबस मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा कि टेस्ट में आपको ये ऐसे एग्जाम्पल्स ना आ जाए, ठीक है? ओके बच्चों करें स्टार्ट इसको फिर हम लोग। नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड।
नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। देखो बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो एटलीस्ट इंट्रो तो रखना ही है दिमाग में ना, क्योंकि ऐसे कंपाउंड आएंगे। तो बेटा ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। ये सारे कैटेगरी बाईसाइक्लो के। बेसिकली ये और ये एक ही चीज है, दो कार्बन और बीच में ऐसा, इसको ऐसे दिखाते हैं। कभी देखा है ऐसे नाम? नाम तो नहीं देखा, मॉलिक्यूल तो पक्का देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मॉलिक्यूल होंगे। नाम नहीं आया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये मॉलिक्यूल देखा हो। ऐसे एक और दिखाता हूं मैं, इसको ऐसे लिखना या फिर ऐसे लिखना एक ही बात। देखो जहां पे जुड़ा हुआ है इधर टू कार्बन, इधर टू कार्बन, बीच में भी टू कार्बन, तो इस जगह से टू कार्बन, इधर से टू कार्बन और बीच से भी टू कार्बन। ये सारे कंपाउंड किसके कौन से हैं? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो क्या खास बात है कि इनके डबल ब्रिज कार्बन होते हैं, मतलब दो रिंग फ्यूज हो गए ना एक दूसरे से, कॉमन कार्बन है, तो इसमें दो कॉमन कार्बन होते हैं, डबल ब्रिज कार्बन लिख लेना। बाईसाइक्लो कंपाउंड इज कंपाउंड कंटेनिंग टू रिंग वेयर टू कार्बन इज ब्रिज कार्बन। कंपाउंड कंटेनिंग टू रिंग वेयर टू कार्बन इज ब्रिज कार्बन। क्या नाम हो गया ये? बाईसाइक्लो। ओके ठीक, इसी तरीके से अगला आते हैं, क्या लिखते हैं? स्पाइरो। स्पाइरो कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? तो जहां पे ये ब्रिज कार्बन एक ही हो जाए, कंपाउंड कंटेनिंग टू रिंग बट वन कार्बन इज ब्रिज कार्बन, जैसे ऐसे कंपाउंड्स। देखो एक ही ब्रिज कार्बन, है ना, ये भी हो गया। ओनली वन ब्रिज कार्बन, ये वन ब्रिज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये सभी कंपाउंड को क्या बोलते हैं? स्पाइरो। ठीक है, अब बात आती है इनके नेमिंग पे कैसे करते हैं। तो इनका भी बिल्कुल अलग तरीके का पैटर्न है। जैसे जब बाईसाइक्लो की नेमिंग करते हैं तो नॉमन क्लीचर में हम लोग क्या लिखते हैं? साइड चेन विद पोजीशन वगैरह वगैरह। यहाँ पे भी वैसे ही है कि भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन। ठीक है, नंबरिंग अभी देखेंगे, नंबरिंग कैसे करना है। प्लस रूट वर्ड से पहले बाईसाइक्लो लगा देते हैं, जिसे नॉर्मल साइक्लो लगाते हैं, तो यहां बाईसाइक्लो प्लस रूट वर्ड। अच्छा, बाईसाइक्लो के साथ ब्रैकेट में हम नंबर ऑफ कार्बन भी लिखते हैं, कितने कार्बन, तो मेरे को यहां पे लिख देना चाहिए बाईसाइक्लो के साथ साथ, ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं
कार्बन ए बी सी ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। ए बी सी नंबर्स हैं किसके, कार्बन के, ठीक है। एंड फिर उसके बाद रूट वर्ड एंड प्लस वही लास्ट में एन इन आइन, ये दोनों आए तो भाई विथ पोजीशन आपको मालूम है कि ये दोनों आते हैं तो पोजीशन दिखाएंगे, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। अब बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न इनके लिए है, स्पाइरो के लिए, तो स्पाइरो में भी सब कुछ सेम ही रहता है। बस यहां पे वर्ड स्पाइरो आ जाएगा और ए बी रहता है, यहां सी नहीं रहता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा ये एबीसी तीन बारी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्रिज के अंदर यहां तीन डायरेक्शन है, इनके बीच के कार्बन को डिनोट करते हैं। यहां ब्रिज के एक साइड और दूसरा साइड ही है, इसलिए यहां सिर्फ दो ही नंबर्स रहते हैं। और फिर वही चीज बेटा, रूट वर्ड प्लस एन ई नाइन, एंड प्लस फंक्शनल ग्रुप विथ पोजिशन, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है ना। तो आज सबसे पहले हम इसी का नाम लिखते हैं, स्पाइरो का एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। अब स्पाइरो में इसका नाम लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका नाम लिखना हो तो कैसे, इसमें कोई साइड चेन तो है नहीं, तो इसको सबसे पहले ही क्या लिखूंगा, स्पाइरो। अब ब्रिज कार्बन को छोड़ करके कितने कार्बन है भाई, तो आप देखो 1 2 और फिर इधर देखो तो 3 4 5 6 7 ऐसे ही है ना। बोले भाई 1 2 है, फिर 3 4 5 6 7, मतलब अगर मैं काउंटिंग करूं सिर्फ कार्बन कार्बन की ब्रिज को छोड़ करके, तो एक तरफ दो है और एक तरफ फाइव है, तो यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखते हैं 2,5। कितने कार्बन हो गए, 7, और एक ब्रिज का ले लिया तो कितना हो गया, 8। तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। आ रहे बात समझ में, ऑक्टेन दैट विल बी द नेम ऑफ दिस स्पाइरो 2,5 ऑक्टेन, स्पाइरो 2,5 ऑक्टेन। क्लियर हुआ, तो ऐसे ही जरा इन दोनों का नाम लिखो तुम लोग, जल्दी करो। बाकी स्पाइरो वालों का नंबर कैसे आया, वो मैंने बताया ब्रिज के दोनों तरफ कार्बन काउंट कर लो, तो ब्रिज के इस साइड देखो तो 2 कार्बन है और इस साइड 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो वो कार्बन को दिखा रहे हैं, बीच में जो नंबर है ना ब्रिज के कार्बन, ब्रिज के दोनों तरफ के कार्बन। गॉट इट बेटा,
ठीक है, ऐसे ही इसका नाम लिख दो, ऐसे ही, चलो ये बाई हो गया ना, यहां डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को, तो चलो इसका नाम लिखो पहले, तो स्पाइरो से असेंडिंग याद रखना एंड बाईसाइक्लो से डिसेंडिंग, इसका नाम लिखो, कोई साइड चेन तो है नहीं, क्या नाम हो जाएगा इसका, बाईसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर, देखो ध्यान से समझना, इसमें तीनों चीजें लिखेंगे, इस ब्रिज के अंदर कोई कार्बन नहीं है, तो ये फोर लिख, 1 2 3 4, 4, 2, 0, अब ये 6 हुआ और दोनों ब्रिज मिला करके 8, तो ऑक्टेन, आ रहे बात समझ में, इसका बताओ, बिल्कुल सही, बाई साइक्लो 2 2 1 हेप्टेन, इसका बताओ, बाई साइक्लो 2 2 2 क्या ऑक्टेन, अरे बाबा 2 2 2 कर लिया और बीच के दो ब्रिज कार्बन 8 हो गए ना, तो बाई साइक्लो 2 2 2। अच्छा नंबरिंग की जो बात आती है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग इसमें कैसे करते, इसमें नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप किधर आया कैसे आया उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, इसमें जो नंबरिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटे रिंग का नंबरिंग करते हैं, फिर बड़े रिंग की तरफ आते हैं, चाहे फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि नंबरिंग का पैटर्न फिक्स है, इधर से ही करना है, और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, सबसे बड़े रिंग को पहले नंबरिंग करते हैं एंड फिर छोटे रिंग को करते हैं, किसमें ब्रिज को छोड़ के स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें तो ब्रिज से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि ब्रिज तो कॉमन है ना सभी जगहों पे, दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं इसमें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भाई अब इसमें कोई मैंने ऐसा बनाया ही नहीं, यही दोनों कर सकते फिलहाल, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में 7, ठीक है, तो अब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो बस इसको इतना ही दिमाग में रखो ताकि आपको पैटर्न ना आए। So we are done with the whole nomenclature. Congratulations. Practice karo acche se.